नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक कब करती है, बाईबैक क्या होता है और बाईबैक करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि बाईबैक करने की लीगल कंडीशंस क्या हैं, यानी कानूनी तौर पर अगर आप किसी शेयर्स को बाईबैक करना चाहते हैं, कोई कंपनी बाईबैक में जाना चाहती है तो उसकी बेसिक कंडीशंस क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि आखिर बाईबैक की लीगल कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि जो बाईबैक हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ किस फंड से हो सकता है, यानी कि फंड की रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि बाईबैक जो आप कर सकते हो वो आप अपने फ्री रिजर्व जिसको कि हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, जो आपकी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आ रहा है आप उससे बाईबैक कर सकते हो। दूसरा है कि जो आपने पहले जो शेयर्स इशू किए थे उसमें वो आपने शेयर अगर आपने प्रीमियम पे इशू किए थे तो प्रीमियम अकाउंट के अंदर आपका जो पैसा पड़ा हुआ है अनयूटिलाइज्ड, अभी तक आप उसको यूज नहीं कर पाए हैं, तो आप उस पैसे से भी आप शेयर्स को बाईबैक कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप अगर किसी कंपनी के अपनी कंपनी के शेयर्स बाईबैक करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 का होना चाहिए मिनिमम, यानी कि जो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 का डेप्ट इक्विटी रेशियो मैंडेटरी है। उससे कम ही आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए। यानी कि डेप्ट आपको अगर देना है 100 रुपये तो आपकी इक्विटी जो आ रही है वो 50 रुपये होनी चाहिए एटलीस्ट। इसके अलावा दोस्तों जो आप मैक्सिमम जो आप बाईबैक कर सकते हो एक साल के अंदर वो आप 25% ऑफ योर कैपिटल कर सकते हो, यानी कि जो आपकी कैपिटल है आप उसके सिर्फ 25% तक शेयर्स ही आप बाईबैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये कहते हो सर मुझे 50% या 75% मार्केट के जितने शेयर्स हैं मैं सारे खरीद रहा हूँ, तो आप बाईबैक सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 25% तक कर सकते हो। नॉर्मली ये कंडीशन 10% से 25% के बीच में मूव करती है। और दोस्तों इसके अलावा जो आप जो बाईबैक करेंगे, बाईबैक आप किन से कर सकते हो, तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हो जिनके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, या फिर आपने अगर अपने एम्प्लॉयज को ईशॉप दे रखा है तो आप उस ईशॉप को भी एज ए बाईबैक आप ले सकते हो। यानी कि जो मार्केट में आपने शेयर्स दे रखे हैं जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं आप उनसे शेयर को खरीद सकते हैं, और दूसरा आप ईशॉप के थ्रू भी शेयर्स जिनको आपने ईशॉप दिया हुआ था अपने एम्प्लॉयज को आप उनसे भी बाईबैक कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और आती है कि बाईबैक की टाइमलाइंस क्या है। तो बाईबैक क्या होता है कि जब हमारा जो रेजुलेशन पास होता है कि हाँ मुझे बाईबैक करना है, तो बाईबैक की जब रेजुलेशन बोर्ड में पास हो जाएगा उसके एक साल के अंदर अंदर आपको बाईबैक की जो पूरी प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने बोर्ड रेजुलेशन आज पास किया और बाईबैक के लिए अब 2 साल या 3 साल का आप इंतज़ार करें। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि यदि आपने किसी शेयर्स का बाईबैक किया है, कुछ शेयर्स का बाईबैक किया है, तो आप अगले 6 महीने तक नेक्स्ट 6 मंथ तक आप नए शेयर इशू नहीं कर सकते हैं या आप राइट इशू इशू नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा ना हो कि जी आज आप बाईबैक करो कल आप राइट इशू या आप नए शेयर इशू कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि आप एग्जिस्टिंग से शेयर्स होल्डर से शेयर लेकर के किसी नए बंदे को शेयर देना चाहते थे तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात कि यदि एक बार आपने बाईबैक कर लिया तो अगले 1 साल तक आप दोबारा बाईबैक नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप आज करो फिर 6 महीने बाद आप दोबारा बाईबैक करने लग जाओ, नहीं, आप 1 साल के बाद ही आप फिर बाईबैक कर पाओगे। और दोस्तों जब आप अगर एक बार आप अपनी अनाउंसमेंट कर दोगे बाईबैक की कि भाई मैं अपनी शेयर्स का बाईबैक चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसका बाईबैक करना चाहता हूँ, उसके बाद आप उस अनाउंसमेंट को विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको अनाउंसमेंट करनी है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके आपको अनाउंसमेंट करनी है बाईबैक की। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक कंडीशंस बाईबैक से रिलेटेड। अगर आप अपनी कंपनी के शेयर्स को बाईबैक करना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।